आज की तारीख है 27/5/64 रिकॉर्ड चला है जाग सजनिया जाग। बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में बैठा, उनको साजन कहो या बाप कहो, उनको पतियों का पति भी कहा जाता है। अंग्रेजी में ब्राइड्स भी कहते हैं। साजन को ब्राइड ग्रूम कहते हैं, परंतु वो है निराकारी साजन। यहां साकारी साजन की कोई बात नहीं है। और निराकार साजन को भी सजनी तो जरूर चाहिए। नहीं तो निराकार साजन सजनी बिगर रचना कैसे रचे। बच्चे जानते हैं वो निराकार साजन किस सजनी द्वारा रचना रचते हैं। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं वो परमपिता परमात्मा इसमें प्रवेश करके सबको जगाए रहे हैं। नवयुग कहा जाता है सतयुग को, बोला है ना, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। पुराना युग कहा जाता है कलयुग को। अभी तुम बच्चों को अनुभव हो रहा है बरोबर नवयुग अर्थात सतयुग सचखंड में जाने के लिए अभी हम यहाँ आए हैं। आए हैं ज्ञान सागर के पास रिफ्रेश होने और सन्मुख में धारणा करने। तुम बच्चों को सन्मुख में जितना मजा आता है उतना मजा सेंटर्स वालों को मुरली पढ़ने से नहीं आवेगा। तुम बच्चे अब सन्मुख हो और सेंटर्स वाले तो दूर हैं। याद करते हैं इस समय शिव बाबा बॉम्बे में है अथवा मधुबन में है, वो दूर वाले हैं ना। तो ये दूर और सन्मुख का राज तुमको अभी बुद्धि में आता है और ये बात अभी समझाइए। हरेक की आत्मा रथी है, इस रथ का रथी है, इस साकार शरीर को रथ कहा जाता है। आत्मा रथी है, रथी आत्मा अपना अपना पार्ट बजाए रही है। ये बातें सन्यासी आदि कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो
हमारी आत्मा रखी है और परमपिता परमात्मा भी इस तन के रखी है। तन के रथी हैं, परंतु जिनमें प्रवेश किया है उनके सारथी हैं। तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है परमात्मा, है तो आत्मा ना। परमपिता बाप कह करके फिर परमात्मा माना परमात्मा कहा जाता है। तो पहले है परमपिता, फिर है परमात्मा। ये पहले और बाद का चक्कर क्यों? जैसे शिव पहले शंकर बाद में, शिव बड़ा है बाप है, शंकर बच्चा है। ऐसे ही परमपिता बड़ा है तो परमपिता पहले और परमात्मा बाद में कहा जाता है। परमात्मा माना ही परमात्मा, आत्माओं के बीच में पार्ट बजाने वाली, परे ते परे वाली आत्मा। वो सदैव परे ते परे रहने वाला है। भगवान को जब याद करते हैं तो नजर जरूर ऊपर ही जावेगी, कहेंगे ओ परमपिता परमात्मा रहम करो, अपन को तो पता है कि वो ऊपर में रहने वाला अब अपने मुकर्रर किए रथ में आए हैं। कहते हैं कल्प कल्प में इसमें रथी बनता हूं, क्योंकि इसे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। अगर कृष्ण के तन में आवे तो फिर दैवी कुल हो जावे। ये क्या कहा? कृष्ण के तन में आवे तो दैवी कुल हो जावे। इस मुकर्रर रथ में आते हैं तो ईश्वरीय कुल है। ऐसे क्यों? क्योंकि सचिदी सृष्टि का पहला देवता है कृष्ण, और कृष्ण देवता से जो पैदा होंगे वो देवता ही कहे जाएंगे। परंतु देवताओं में भी बड़ा देवता है महादेव। जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं तो ये संगम युग की बात है। संगम युग में ही ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे देवताएं होते हैं, और युगों की बात नहीं है। कृष्ण का शरीर तो सतयुग में होता है। बच्चे समझते हैं
कि बाप बैठ हमको तीन कालों का ज्ञान देते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, जो जो बात घड़ी घड़ी बीत चुकी कहते हैं फिर वही रिपीट होगी। जैसे लक्ष्मी नारायण का राज्य था फिर रिपीट होगा, क्राइस्ट को भी अपना पार्ट रिपीट करना है, फिर उसी नाम रूप देश काल में आने वाले हैं। बाप कहते हैं मैं भी अपना निराकार रूप बदल करके अब साकार में आया हूं, जरूर मनुष्य तन में आऊंगा तब तो सुनाऊंगा ना। मनुष्य तन में ही आवेंगे क्योंकि मनुष्यों को मनोबुद्धि होती है प्रधान, गधे में थोड़े ही आऊंगा। शास्त्रों में तो कच्छ मच्छ अवतार लिख दिए हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से मनुष्यों ने समझ लिया है कि वो सब में प्रवेश करता है। अरे जानवरों में प्रवेश करेगा तो जानवर ज्ञान सुनेंगे क्या? भगवान आते हैं तो आकर ज्ञान ही सुना देंगे। ज्ञान तो मन बुद्धि का विषय है ना, ज्ञान तो मनुष्य ही सुनेंगे। तो मैं मनुष्य में ही आता हूं। अभी बाप समझाते हैं, हे सजनियो मैं आया हुआ हूं तुमको जगाने के लिए और नई दुनिया स्थापन करने के लिए। तो जब आया हूं जगाने के लिए तो जगा करके ही जाऊंगा। कलयुग अंत में सब कब्र दाखिल हो जाते हैं, कब्र में जैसे सो जाते हैं, देह अभिमान में सो जाते हैं ना। मैं आता हूं जगाने, आत्माभिमानी बनाने। तो आत्माभिमानी बनाता हूं फिर नई दुनिया स्थापन होती है। तो नई दुनिया स्थापन करने आता हूं, तुमको आत्मिक स्थिति में टिकाने के लिए आता हूं। ऐसे थोड़े ही कि बीच में ज्ञान सुनाकर चला जाऊंगा। वो ब्राह्मण समझते हैं भगवान आया और ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुना करके चला गया, अब नई दुनिया हम बनावेंगे। और ज्ञान की धारणा करके देवता बन जावेंगे। बाप कहते हैं मनुष्य से देवता बनाना मेरा ही काम है, पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया बनाना मेरा ही काम है। जो भी सतयुग में था वो अब फिर रिपीट होगा।
अभी नबियों का आना है। दुनिया तो समझती है नबियों का आने में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। ये मनुष्यों की भूल है। तुम बच्चे तो अभी निश्चय बुद्धि हो गए हो। ये सब बातें बिल्कुल नई हैं। नई दुनिया के लिए जरूर नया ज्ञान देना पड़े। सतयुग में ही देवताएं होंगे और धर्मों का तो वहां पता भी नहीं रहेगा। अभी और सभी पुराने धर्म हैं। नया देवी देवता धर्म गुम हो गया है। अभी फिर उस नए धर्म की स्थापना होती है। हाँ, देवताओं के कुछ न कुछ चित्र हैं। समझते हैं सतयुग में बरोबर राज्य करते थे। वहां नई दुनिया में तुमको ये पता नहीं रहेगा कि लक्ष्मी नारायण के राज्य के बाद कोई राम का राज्य आने वाला है। नहीं, कुछ भी पता नहीं पड़ेगा। जो होता जावेगा वो तुम देखते जावेंगे। फिर बाद में कहेंगे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड नंबर वाले को मालूम रहेगा। कि फर्स्ट सेकंड एडवर्ड हो गए हैं, परंतु आगे क्या होगा वो भी नहीं जानेंगे। ड्रामा का पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ये ड्रामा की नॉलेज है, बाप ही बैठ बताते हैं। वो भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्रा की डिग्रियां बिल्कुल नई है, बिल्कुल न्यारी हैं। ये नया ज्ञान है। तो बाप और वर्ष को याद करना है। अभी तुम बच्चे जानते हो सतयुग में इतना समय राज्य होगा, फिर त्रेता में राम सीता राज्य करेंगे। बच्चों को वो सीन सीनरियां देखने में आती हैं। तो जानते हो हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है और कोई की बुद्धि में नहीं है। ये नई बातें हैं। बाप तो कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। गीता में तो लिख दिया है युगे युगे आता हूं। 27,564 की वाणी का दूसरा पेज। पुराने युग और नए युग के बीच को संगम कहा जाता है। इस संगम पर ही परमपिता परमात्मा आए रथी बना है। हम रथियों को ले जाने के लिए आया है। हम आत्माएं भी रथी हैं, तो अपन को आत्मा समझना है। तुम बच्चे तो घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अभी बाबा आए हमको सारा राज समझाते। पतित से आप समान पावन बनाते हैं। ये बेहद का एक ही बाप है जो बच्चों को आप समान बनाते हैं। यूं तो बेहद का दूसरा बाप भी है, परंतु मैं हूं आत्माओं का बाप और वो दूसरा बेहद का बाप है प्रजापिता। परंतु वो आप समान नहीं बनाते हैं,
सामान तो मैं ही बनाता हूँ। सबको आत्मा बनाए वापस ले जाता हूँ। मैं भी आत्मा हूँ ना। लौकिक बाप कभी बच्चों को आप समान नहीं बनाते हैं। प्रजापिता लौकिक बाप है या पारलौकिक बाप है? क्या है? लौकिक बाप है। तो एक ही बाप है। एक बाप का बच्चा, कोई बाड़ा होगा, कोई सर्जन होगा, कोई इंजीनियर होगा। परंतु यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ तो एक परमपिता परमात्मा के बच्चे सब आत्मा हैं और सब मनुष्य से देवता बनते हो। यहाँ तुम बैरिस्टर सर्जन आदि बनने नहीं आए हो। जानते हो परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं, जिससे हम पढ़ करके सो देवता बनते हैं। हरेक ऐसा ही कहेंगे। ऐसा स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जो सब कहें कि सो देवता पद प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं। तुम बच्चे दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर मकान भी वृद्धि को पाते जाएंगे। बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो फिर बहुत बुलावेंगे। यहाँ आए हमको मनुष्य से देवता बनने का राज यू सिखाओ। तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। तो बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, रात को अथवा अमृत वेले जागो। इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं, उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं। तो रात में भी बैठ ग्राहकी करते हैं, ग्राहकों की सेवा करते हैं ना। मनुष्य को संपत्ति 24 घंटे मिलती जाए तो अपनी नींद भी पिचाए देते हैं कमाई में। फिर प्रैक्टिस करते करते नींद आती ही नहीं है। कमाई नहीं होती है तो बासी नींद आदि आती है। और कमाई में बड़ी खुशी होती है। पैसा बढ़ाने का ही मनुष्य प्रयत्न करते हैं, समझते हम बहुत सुखी रहेंगे। बाकी पेट तो एक ही खाता है। जास्ती खाने से तो और ही बीमार पड़ जाएंगे। पेट एक पाव रोटी मांगता है। तो तुम बच्चों को इस दुनिया का सारा ममत्व मिटाई देना चाहिए। पेट सुखाला मिलता रहे बस। ऐसे नहीं ज्यादा सी लोभ में जावे और उसमें बुद्धि योग भागता रहे। इस अविनाशी कमाई से वंचित तो हो जावे नहीं। इस अविनाशी कमाई का बहुत बहुत ख्याल रखना है। तुम्हारी कमाई सेकंड बाय सेकंड है। एक सेकंड आत्मा बाप को याद किया तो कितनी भारी कमाई होती है। तो कमाई का ख्याल रखना है। चलते फिरते याद करना तो बहुत सहज है।
और कमाइयां ऐसे चलते फिरते उठते बैठते भी होती हैं। ये तो वंडरफुल कमाई है, इंडिपेंडेंट, और अपने लिए अपनी कमाई है। लौकिक बाप को भी बच्चों का ख्याल रहता है, बच्चे सुखी रहें, खाते रहें, इसमें बाल बच्चों का ख्याल नहीं रहता है। अपने लिए 21 जन्मों की कमाई करें, कैसे मजे का ज्ञान है। तो हरेक बच्चे को अपने लिए कमाई करनी है। बाल बच्चों, मित्र संबंधियों आदि किसको भी याद नहीं करना है, और अपने इस देह को भी याद नहीं करना है। बाबा को तो भले इस देह में आना पड़ता है, परंतु देह में आते भी देही अभिमानी होकर रहते हैं ना। इस समय देह में आते हैं, आए कर तुम आत्माओं को नॉलेज देते हैं अथवा सहज कमाई का रास्ता बताते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो तो तुम बहुत कमाई कर सकते हो। ये बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं, बाप को याद करने की हेर पड़ गई है, अपन को भूल शिव बाबा ही याद आता रहता है, क्योंकि तो शिव बाबा की इसमें प्रवेशता है। ये समझते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। लौकिक बाप के बच्चों को रहता है ना, हम बाप की मिल्कियत का हकदार हूँ। तो इस बाबा को ये रहता है कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। इस बाबा को ब्रह्मा बाबा को भी रहता है कि मेरा बाप परम धाम का ऊंचे से ऊंचा रहने वाला है, तो मैं भी ब्रह्मांड का मालिक हूँ। बाबा की प्रवेशता है, वो नशा रहता है। इस ब्रह्मांड का मालिक है, उनकी प्रॉपर्टी का मालिक है, परंतु शिव बाबा तो खुद विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। मैं ब्रह्मांड का भी मालिक तो विश्व का मालिक भी बनता हूं। ये किसने बोला? मैं ब्रह्मांड का भी मालिक बनता हूँ तो विश्व का भी मालिक बनता हूँ। शिव बाबा विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। तो कैसे ये बात साबित होती है? जिस रूप में, प्रैक्टिकल रूप में शिव बाबा आते हैं, वो बैगर के रूप में दिखाया जाता है, या विश्व के मालिक के रूप में दिखाया जाता है? हैं? बैगर का रूप दिखाते हैं। वास्तव में कृष्ण की आत्मा भी उसमें प्रवेश है। जो अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनती है, तो कहते हैं मैं ब्रह्मांड का भी मालिक हूँ तो विश्व का मालिक भी बनता हूँ। शिव बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, मैं विश्व का भी मालिक हूँ, और तुम बच्चे भी विश्व का मालिक बनते हो। राजा चाहे प्रजा, ये तो साफ समझते हैं हम स्वर्ग के मालिक हैं, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा का ही जाती है। ऐसा पुरुषार्थ अभी तुम बच्चों को करना है।
जैसे बाबा को नशा रहता है, हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, समझते हैं हम अभी ही जैसे ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये भी जान गए हैं हम विश्व के मालिक हैं, तो ऐसे समझने से भी खुशी का पारा बहुत अच्छा चढ़ेगा। 27.564 की वाणी का तीसरा पेज। गाया भी जाता है अतीन्द्रिय सुखो गोपी बल्लभ की गोपी गोपियों से पूछो, ऐसे नहीं कि गोपी बल्लभ से पूछो, नहीं गोप गोपिकाओं से पूछो। वास्तव में बल्लभ बाप को कहा जाता है, बल्लभ को तो विश्व के मालिक पने का सुख नहीं होगा। बाप कितना बच्चों को उठाते हैं, ये कहते हैं मैं भी अपने को ब्रह्मांड का मालिक समझता हूं, कौन कहते हैं, ये ब्रह्मा कहते हैं, सारी दुनिया में ये कोई भी नहीं समझ सकता कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूं, ऐसे नहीं मैं ब्रह्मा में लीन हो जाऊंगा या ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, नहीं। कहां लीन नहीं हो जाना, कहां ब्रह्मांड का मालिक अपन को समझना और कहां लीन हो जाना, बहुत फर्क है। तुम जानते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, खुद बाप समझाते हैं सजनिया जागो, हर एक बात तुमको नई से नई समझाता हूं। बूढ़ियों के लिए भी तो बहुत सहज है, क्या तुम ब्रह्मांड की मालिक नहीं थे, थे फिर पाठ बजाया, अब फिर तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो, फिर विश्व के मालिक बनने वाले हो, ये बातें स्थाई याद रखनी है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन, तो तुमको खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा, ये तो निश्चय करना चाहिए। बाप है, बाप के सिवाय ये कोई समझाए नहीं सकता है, दिल में सब बातें नोट करना चाहिए, बाकी स्थूल में रखने लिखने की इतनी दरकार नहीं है, बाकी ये नोट शादी लेते हैं स्मृति में रखने के लिए, फिर ये काम में तो नहीं आवेंगे। बैरिस्टर के पास ये बहुत किताबें आदि रहती हैं, शरीर छूटा और सब खलास, पता भी नहीं रहता दूसरे जन्म में क्या बनेंगे। अभी तुम बच्चों की तो एक ही पढ़ाई है, तुम जानते हो ब्रह्मांड का मालिक हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हैं, तो ये खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता है। बाबा ने समझाया है, घर में अपने को रिफ्रेश करते रहना चाहिए। मनुष्य समझते हैं ज्ञान में जाने से हमको घाटा पड़ा है, अरे ये क्यों, ये घाटा बाटा तो पुरानी दुनिया में होता है, आज कोई वजीर है कल कोई ने शूट कर दिया तो खेल ही खलास हो जाता है, इस दुनिया में सबको घाटा ही घाटा पड़ता रहता है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, सबको घाटा ही घाटा, सिर्फ तुम बच्चों को भविष्य के लिए सदैव फायदा है। सो भी 21 जन्मों के लिए पूरा फायदा है, बाकी तो सब घाटे में, ये तो सब रुन्न के पानी मिसल खड़े हुए हैं, उनको पता नहीं है सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, सब कब्र दाखिल अथवा भस्मीभूत हुए पड़े हैं, परंतु ये बातें तुम ही जानते हो।
तुम्हारे में भी जो बहुत होशियार हैं उनको पता है ये दुनिया जैसे मरी पड़ी है, सब कब्र दाखिल हो जाएगी। यादव कौरव सब कब्र दाखिल हुए, बाकी पांडवों की विजय हुई, विश्व पर अर्थवार्थ नई दुनिया पर विजय पाई, क्योंकि तुम पांडव ईश्वर को जानते हो, उनसे तुम प्रीति रखते हो। जितना जो प्रीति रखते हैं, जितना याद करते हैं, उतनी कमाई होती है। याद से कमाई होती है, परंतु पहले कब ऐसा नहीं सुना होगा। भारत का प्राचीन युग बहुत नामी ग्रामी है, ये बाबा भी नहीं जानता था, अब सब बातों की रोशनी आ गई है। बाप कहते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो अब तुमको सुनाता हूं, ये सतयुग में नहीं रहेगा। बात तुम्हारी प्रारब्ध का सुख का पाठ जो कल पहले चला था वही चलेगा। ये ज्ञान भी बाप एक ही बार आकर के देते हैं और अंत तक देते रहेंगे। तुम बल कहां भी हो, शरीर छूटे परंतु शिव बाबा याद हो और ज्ञान अमृत मुख में हो। सुदर्शन चक्र याद हो तब प्राण तन से निकले। तो कहां वो भक्ति मार्ग की कहावत, कहां ये ज्ञान की बातें। शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान हो, स्वदर्शन चक्र में याद। मनुष्य जब मरने पर होते हैं तो उनके हाथ में माला देते हैं, कहते हैं राम राम कहो। तो अंत में तुम्हारी सदगति हो जाएगी, परंतु वो राम है कौन और वो कहाँ है कुछ भी नहीं जानते। कोई अपने गुरु को याद करते हैं, कोई हनुमान को याद करते हैं, अनेकों को याद करना है, इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। अभी तुम तो एक को याद करते हो और वो एक तुमको ये ज्ञान देते हैं। 27.5.64 की वाणी का चौथा पेज। ये नॉलेज है और कोई भी नहीं जानते हैं, जबकि नंबर वन लक्ष्मी नारायण जो अब 84वें अंतिम जन्म में है उनको ही भूल गया। इनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है, तो उनका जो मनुष्य सृष्टि का सिजरा है उनको फिर कहां से मिलेगा। कोई में भी ये नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज होती तो सीखते और जानते रहते और फिर लिखते। ये कल्प 5000 वर्ष का है। अभी तो मनुष्यों की अनेक मतें हैं, यहां तो एक ही बाप समझाते हैं कल्प में 4 युग हैं। जगन्नाथ पर चावल की हुंडी में भी 4 भाग हो जाते हैं। ये दृष्टांत मात्र है, बरोबर 4 भाग हैं, इक्वल। हरेक युग को 1250 वर्ष। तुम बच्चे यथार्थ स्थिति जानते हो, श्री कृष्ण के राज्य को तुम द्वापर में नहीं ले जाएंगे। राधे कृष्ण तो है ही सतयुग में, जो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु शास्त्रों में ये बात नहीं दिखाई है कि राधे कृष्ण आपस में कौन है। वो कोई स्त्री पुरुष तो नहीं थे, वो प्रिंसेस अपने घर से आती बगीचे में मिलने के लिए, तो जरूर और घर की होगी ना, फिर जरूर बाद में शादी होगी। तो ये राज है ही लक्ष्मी नारायण का,
तुम बनते भी हो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। शास्त्रों में तो बहुत उल्टी बात है। बाप समझाते हैं बच्चे ये बातें भूलो मत। बाबा तो नशा चढ़ाने के लिए बहुत ज्ञान अमृत पिलाते हैं, पर पीने वाले कोई जाकर के विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो वहां का वहीं भूल जाते हैं। विचार करना चाहिए आज बाबा ने क्या क्या सुनाया। बरोबर हम ब्रह्मांड के मालिक, निर्वाण धाम के हम मालिक हैं, फिर विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा हमको मालिक बनाए रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चों मुझो मत, तुमको हैरान भी बहुत करेंगे क्योंकि ये नई बातें हैं। बिघन तो पढ़ते हैं ना। बाप कहते हैं मैं शिव हूँ, रुद्र हूँ, मेरे उस रुद्र के आने में तुम अबलाओं पर अथवा यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे। दुर्योधन द्रौपदियों को नग्न करेंगे, मारेंगे, ये नरक की दुनिया है। तुम जानते हो हम ब्रह्मांड के मालिक बनेंगे, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। इतनी सहज बात है, पहले तुम नहीं समझते थे। ड्रामा अब पूरा होता है। अब हमको गुलगुल बन करके जाना है, पतित को गुलगुल नहीं कहेंगे, आयरन एज को छी छी कहेंगे। गोरे से सांवरा बनने में कितना समय लगता है, त्रेता तक ही दो कला कम हो जाती है, तो फिर दूसरे युगों में दो कला कम गिरना ऐसे कैसे हो सकता है, ज्यादा ही गिरेंगे ना, गिरना तो जरूर है। कितना भी कोई माथा मारे द्वापर से ऊपर जा नहीं सकता। अभी तो साहब की कलाएं खत्म हो पड़ी। तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाता हूँ, तुम पुरुषार्थ करते हो हम ये शरीर छोड़ बाबा के पास जावे, इसमें तो खुशी होनी चाहिए। पुराने तन से ममत्व मिट जाएगा, यहाँ कहेंगे पुरानी खल हुई है, इसको हम छोड़ते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां कहेंगे अभी बूढ़े हुए हैं, फिर जाए बच्चा बनते हैं। अभी बाप कहते हैं अपन को ब्रह्मांड का मालिक, विश्व का मालिक समझो, क्योंकि उस बाप के तुम बच्चे हो। जीव आत्मा ही मिलकर के वर्षा पाए रही है, ये बाबा भी वर्षा पाए रहा है, इसमें शक्ति की कोई बात नहीं है। ये बाबा ब्रह्मांड का मालिक है, इनको ही सब याद करते हैं, कहते हैं बाबा हम तंग हो गए हैं, अब हम आपके पास ही रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम आ नहीं सकते हो क्योंकि माया ने तुम्हारे पर काट दिए हैं, अब योग बल से तुमको पर मिलेंगे तो तुम उड़ जाएंगे। ये प्राचीन राजयोग है और नॉलेज भी त्रिकालदर्शी बनने की है। अच्छा, ओम शांति।